पिछले क्लास में हम लोगों ने बनाया था क्रॉस पेन हैमर, आज हम लोग बनाने वाले स्ट्रेट पेन हैमर। तो इसका पेन जो होगा क्या होगा, वो हैमर के हैंडल के बिल्कुल सीध में होगा। चलिए देखिए, स्ट्रेट पेन हैमर बनाने के लिए आप सभी क्या कीजिए, बिल्कुल पिछले क्लास की तरह जस्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक पेन बनाने के लिए पहले एक झोपड़ी की तरह बना देंगे, और इस बार हम लोग पेंसिल वही इस्तेमाल करें 2H। 2H के बाद हम लोग सिर्फ बोल्ड करने के लिए बोल्ड पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं डार्क करने के लिए। चलिए तो 2H से क्या कीजिए, आप एक लाइन खींचिए झोपड़ी की तरह, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही ही होना चाहिए। और इसे क्या कीजिए, इस तरह से कुछ तिरछा मिला लीजिए, देन आप यहाँ पर खींच लीजिए इसे, और इसे भी कुछ इस तरह से मिला लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम सभी फिर से गमले की तरह बनाने के लिए प्रयास करेंगे, और यहाँ से इस तरह से लाएंगे इसे जितना देर ला सकते हैं। जब फिर से मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप जरूरी नहीं कि आप एक्यूरेट ही बनाएं, आप इस तरह से स्क्रैचेस करते हुए नीचे तक ले आएँ पुनः, और आपसे ये मुड़ने में नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए, यहाँ से एक इस तरह से हल्का गोल सा बना लीजिए, और आप इसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, यहाँ से इस तरह से लाइए। देखिए मैं इस तरह से पेंसिल को यूज़ करता हूँ, ये हो गया। और हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इसके एक्यूरेट यहाँ पर एक और बनाएंगे, ये इस तरह से लाकर जिस तरह से ये आया था उसी तरह से, ये हो गई। इतना तो हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाने के बाद इसे नीचे यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे, इसे भी क्या करेंगे हम स्ट्रेट कर देंगे, और इसी से हम क्या करेंगे, एक लाइन निकाल कर यहाँ से बाहर की तरफ एक छोटा सा एरो की तरह दे देंगे, और इसे नीचे लाते हुए यहीं पर इसी के साथ क्या करेंगे, मैच कर देंगे। फिर अब इस तरफ से एक और लाइन निकालेंगे हम सभी, जो कुछ इस तरह से जाएगा साइड के लिए, अगर ये आपको ज़्यादा फैला हुआ या फिर स्क्रो लगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे हम सभी, इस लाइन को यहाँ दे दीजिए, इस लाइन को इसके साथ पूरी तरह से मैच कर देंगे, फिर ये हमारा स्ट्रेट आ जाएगा यहाँ से कुछ इस तरह से, इसे डाउन करेंगे, फिर इसे इस तरह से ले जाएंगे और इसके साथ मैच कर देंगे। लेकिन यहाँ पर यह हैमर हमें बहुत पतला लग रहा है, तो क्या करेंगे, इसे और फैलाएंगे थोड़ा, आप अपनी मर्जी के अनुसार देख सकते हैं, कुछ जैसा हैमर पसंद है हम यहाँ से इसे मिला लेते हैं। अगर आपको फिर भी ये पतला लगे तो आप और इसे मिला लीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक हमारा ये हैमर बन गया। अब इसी में हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करनी है, लाइक हमें ये जो भी आपको ख़राब लग रहा हो उसे कर लीजिए, और जो भी आपका रफ बन गया हो उन सभी को क्या कीजिए, हटा लीजिए यहाँ से, देखते हैं। और अब मैं फिर से इसे क्या करता हूँ, अपने बोल्ड पेंसिल से इसके जो भी मैंने इसे आउटलाइंस दिए हैं उन सभी को बोल्ड कर देता हूँ। अब आप सभी अंदर देख सकते होंगे कि अंदर में बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं जो मेरे लिए लाइंस बेकार हैं, तो मैं उन सभी को हटाने के लिए क्या करूँगा, पहले हैंडल बना देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको हैंडल बनाने के लिए मैं पहले इस पेंसिल का इस्तेमाल कर लेता हूँ 2H का, यहाँ से मैं क्या करूँगा इसका हैंडल लूँगा। तो यहाँ से मैं पेंसिल को उठाता हूँ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे तैसे एक लाइन खींच लेता हूँ, एंड अगेन वही काम करता हूँ मैं, फिर से एक लाइन खींच लिया मैंने, एंड दोनों लाइन्स को लाकर आपस में मिला दिया। यहाँ पर मुझे आई होल बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आई होल के लिए जगह कुछ इस तरह से दे देता हूँ, जैसे कि ये ही हो इस तरह से, कुछ इस तरह से आई होल के लिए मैंने एक स्थान दे दिया। अब क्या करूँगा, मैं इन सभी को डार्क करूँगा। अब डार्क ना भी करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसी तरह से, लेकिन मैं यहाँ पर साइड इफेक्ट के लिए इसे थोड़ा थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। और आप ये मत सोचिएगा कि आप ये जो कर रहे हैं तो इसे आपको बाहर निकालते तो कोई दिक्कत है, क्या करेंगे, लास्ट में उसे इरेज कर लेंगे, बस आप इसे कर लीजिए। करने के बाद में आपके जो बनाया है उस पर साइड इफेक्ट आ जाएगी कुछ इस तरह से, और हैमर के हैंडल को हम लोग किस तरह से कर लेंगे, बोल्ड पेंसिल उठाइए, और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको बोल्डनेस कम हो गया है वहाँ वहाँ बोल्ड पेंसिल से बोल्डनेस इसमें दे दीजिए, मतलब गहरा दीजिए। आई होल हमारा गहरा ही हो गया था इसका, आई होल को हम फिर से बना देते हैं।